दोस्तों इतना बड़ा गेस्ट हाउस सिर्फ 11,000 रुपये में, हॉर्स राइडिंग भी है दोस्तों। कलेजी देख कलेजी क्या। हाय गाइस वेलकम बैक। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कल शाम को हम आए थे ग्रीनवुड्स में और ये रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, देखिए आपको दिखाते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, अंदर से घोड़े दिखाते हैं आपको, हॉर्स राइडिंग के घोड़े हैं जो। ये स्टेबल अस्तबल, यह है फीमेल, दूसरा है मेल, यह है घोड़ा। थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आप लोग हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। और ये है यहाँ की गाय भैंसें, ये देखिए क्या मज़े से सुबह पूरा परिवार बैठ के मज़े कर रहे हैं। सुबह सुबह बाहर निकाल दिया, रात को तो अंदर थे लोग, बारिश हो रही थी। और ये है दोस्तों ग्रीन वुड्स स्टाइल से लिखा हुआ है नाम। मुर्गियाँ भी हैं यार, ये गाँव की पूरी सेटिंग देखो आप दोस्तों। ये बच्चों को दिखाने के लिए भी एक पर्पस था यहाँ आने का, कि बच्चों को ये सब गाँव की सेटिंग, गाय भैंस मुर्गी घोड़े ये सब एक ही जगह में दिख गए यार। नहीं तो आजकल तो बहुत मुश्किल है बच्चों को एक ही जगह में ये सब दिखाना, तो ये फ़ायदा हुआ यहाँ के हमें। घरों में कहाँ दिखता है आजकल सिटी लाइफ में। अब जा रहे हैं हम, जो हमने घोड़े देखे थे उनके बच्चे, मायरा मेरे साथ है। और ये देखिए सामने, देखो कितने प्यारे छोटे से घोड़े हैं। और दोस्तों ये देखिए, हम ये छोटे घोड़े हैं, ये बच्चा घोड़ा है, बच्चा घोड़ा। हाथ लगा, लगा ना हाथ लगा। ये देखो दो प्यारे प्यारे से दो बच्चे छोटे घोड़े हैं, इन्हें प्यार करते हैं बेटा, ऐसे ऐसे करते हैं। दूर से हाथ हाथ भी पकड़ सकते हो। बड़े घोड़े डर रहे, साथ पास नहीं आ रहे। थे कितने प्यारे हैं देख बच्चे ने, बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चे तो प्यारे होते हैं। चलो और चलो चलो आगे दिखाते हैं, आ जाओ। ऐसा लग रहा मैं जंगल में गए, जंगल में लग रहा ना, जंगल में तो है। दोस्तों फार्म हाउस पूरा 10 एकड़ का है और गेस्ट हाउस का एरिया करीब 1 एकड़ से ज्यादा का है। और अब आपको व्यू दिखाता हूँ ऊपर से। दोस्तों यह बोटिंग एरिया एंड स्विमिंग एरिया, स्विमिंग पूल इतना बड़ा है कि 10-15 लोग आराम से आ जाते हैं इसके अंदर। वहाँ पे एक डक बोट है, मतलब वहाँ पे हम पानी में स्विम कर सकते हैं इसके साथ। अभी पानी कम है, स्विम नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई सुदित कैसा लग रहा आपको, मजा आ रहा है ये बोट? अरे बोट में पानी भर गया बेटा, रात बारिश हुई। और दोस्तों ये स्विमिंग पूल काफी बड़ा है और काफी मजा आने वाला है। अभी तो सब सो रखे हैं, अभी हम आने वाले हैं सब इसमें। आधे एक घंटे बाद थोड़ी सी धूप निकल जाए तब पहुंच जाएंगे हम यहाँ, देखिए करेंगे एंजॉय। और दोस्तों ये देखिए इतना बड़ा पार्क एरिया है बिल्कुल अपने रिजॉर्ट के आगे, ये पूरा बड़ा पार्क एरिया है। देखो कितनी जगह है इसमें खेलने की। और दोस्तों ये बाइक है और एक्स्ट्रा पेमेंट में शायद अवेलेबल रहती होगी चलाने के लिए। अभी तो ख़राब बोल रहे बच्चों को, शायद ख़राब नहीं होगी लेकिन वो सब एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ होगी। और ये है दोस्तों प्लेइंग एरिया, ये क्रिकेट खेल सकते हैं इसमें। और दोनों कॉर्नर्स में डायगनली बास्केट्स लगी हैं बास्केटबॉल के लिए। तो दोस्तों सब मिला के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, बास्केटबॉल है, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, बोटिंग, स्विमिंग, रेन शावर भी है, रेन डांस भी, एक्टिविटी तो काफ़ी सारी हैं देखो। और ये सब का थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग का और बाइक राइडिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता होगा। ये छोटा स्विमिंग पूल है, रेन शावर के साथ रूम्स हैं, ये किचन है, किचन में भी सारा सामान अवेलेबल है, ये अलमारी है, तो किचन काफ़ी बड़ा है, A to Z सामान है। दोस्तों जितना बड़ा प्ले एरिया रिजॉर्ट के सामने की तरफ है उतना ही बड़ा पार्क एरिया छोटे पूल के पीछे की तरफ है, तो बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी जगह। और ये है कमरे, एक्स्ट्रा लोगों के लिए सोने के लिए भी है गद्दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 बेडरूम है, तो 15 से 20 लोग आराम से आ सकते हैं। ये अपना एक बेडरूम है, मस्त है, पेंटिंग करी हुई वॉल पेंटिंग, ऊपर सीलिंग है, पूरा वॉल पेंटिंग है, बहुत सुंदर है। तीनों रूम ऐसे ही है बस। तो दोस्तों ये था रिजॉर्ट टूर और अब चलते हैं पूल में, करते हैं मस्ती। दोस्तों पूल में मजे मारने के बाद अब बारी आई है कुकिंग की और आज हम बना रहे हैं मटन कीमा कलेजी। चलो करते हैं तैयारी, तवा गरम है, तेल डालते हैं। जो गार्लिक पेस्ट डाल दिया दोस्तों हमने,
ये है कीमा दोस्तों, ये कलेजी। दोस्तों हम डाल रहे हैं अभी कीमा, प्याज अपना ब्राउन हो गया, कीमा कलेजी। ओह ओह मस्त हो गया मौसम तो, सुबह से बारिश हो रही थी। ये डाला दोस्तों नमक, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, आई लाल मिर्च, मीट मसाला, ये आया मीट मसाला भाई, ये आए टमाटर, इसको करो पैक, अब ये गल जाएंगे, इसको कर देंगे थोड़ी देर कवर। क्या कलर आया देखियो, टमाटर हो गया, अब डालते हैं कलेजी, अब कलेजी को कर देंगे बंद हम, ये कर दी इसको बंद, अब इसको थोड़ा स्टीम से हीट से पकेगी और इसको फिर ढक्कन लगा देंगे हम। दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज 5.0। दोस्तों जब तक कीमा रेडी होता है तब तक देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अलग ही मस्ती मार रहे भाई। चलो तब तक कादर भाई से बात करते हैं, आगे केयर टेकर। कादर भाई जरा रिजॉर्ट के बारे में बताओ थोड़ा। 3 BHK का बेडरूम है, छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल है, बड़े बच्चों का स्विमिंग पूल है, इधर जो क्रिकेट ग्राउंड है, तो बड़ा गार्डन है, इतना बड़ा हवेली का जगह तो काम में नहीं मिलेगा। और दोस्तों आप लोग कभी आए तो कादर भाई आपके लिए हर चीज अरेंजमेंट करेगा। सेफ्टी भी अरेंजमेंट है, ठीक है क्या साहब? कुकिंग करनी है तो कुकिंग के लिए भी अच्छी है, कुकिंग का भी अरेंजमेंट है, ठीक है साहब। दोबारा आने कोशिश मिलेंगे, ठीक है। हाँ भाई क्या कहना है इस जगह के बारे में? हैदराबाद के आसपास मेरे हिसाब से बेस्ट आउटिंग प्लेस है, बेस्ट आउटिंग है। सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस है पूरा प्लेस हमारे लिए, ओपन बार भी है। हैदराबाद को इसलिए ही वर्ल्ड ग्रीनेस्ट सिटी नहीं बोला गया। सही है सही है। ये कौन है साथ में छोटी सी? क्या व्यू है यार आउटडोर कुकिंग का, तो ये हमारा बेस्ट डे है यार। बिल्कुल सही, देखो यार क्या नज़ारे हैं। अब भाई इनकी एक और प्रॉपर्टी है शिकाराबाद वाले रास्ते में, नेक्स्ट टाइम हम वहाँ चलेंगे, इससे बड़ी है वो। अब डालेंगे इसमें मक्खन भाई, ये हो गया दोस्तों रेडी। देख कलर, क्या कलर आया यार, ये होगी कलेजी, कलेजी देख कलेजी क्या है, कलेजी देख और इसका कलर देखो, तो दोस्तों हम करते हैं खाना एंजॉय। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।